बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल रमज़ान जानी व्लॉग। मैं हूं आपका होस्ट मिस्टर रमज़ान। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। आज हम जा रहे हैं जी करोला अल्टस की ड्राइव लेने, और इसका थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। तो ये है जी करोला अल्टस। तो ये इसके ऊपर ये जो स्क्रैच पड़े हैं ना, ये इस्लामाबाद में एक दफ़ा आए थे, गोले पड़े थे। मतलब कि बर्फ़ जब बारिश में आती नहीं है, क्या नाम होता यार, छोटे छोटे गोले जो होते हैं वो पड़े थे, उसकी वजह से इसका पूरी बॉडी का कलर ख़राब हुआ है। और इसको अंदर से चेक करवाते हैं जी आपको। ये है जी हमारी करोला अल्टस। ये हो गया जी पी पे, अब ये पार्क हो गई है। तो ये था जी इसका छोटा सा। तो लीजिए जी ये हो गई हमारी पार्क गाड़ी। अब पीते हैं जी अच्छी सी चाय, और थोड़ी देर आराम करके फिर काम भी करने होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आला ये वाली बनी है जी, आला। तो आप भी आराम कीजिए और मैं भी करने लगा हूँ। तो अब गाइज मैं उठ गया हूँ जी, पूरे 12 बज गए हैं। तो रोटियाँ पकाने लगा हूँ, किचन तकरीबन हमारा खा पिए। अब पकाते हैं रोटियाँ और करते हैं नाश्ता। तो आज है गाइज जुम्मा, तो सबसे पहले नाश्ता आके करेंगे, पहले जुम्मे की तैयारी कर लें। और जुम्मा पढ़ना लेट होने लगे, 1:15 हो गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मैं तैयार हो चुका हूँ, अभी बस जाने वाले हैं जुम्मे के लिए। तो आप सब दुरूद शरीफ पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ने का जुम्मे वाले दिन बहुत ज़्यादा सवाब है। एक दफ़ा पढ़ेंगे 10 नेकियाँ मिलेंगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। तो फाइनली गाइस जुम्मा जुम्मा पढ़ के हम आ गए हैं जी पंप पे। तो पंप पे ये देखें क्या चल चढ़ा हुआ है, डंपर ऊपर चढ़ गया था, ये सारा का सारा लैंडर टूट गया, थोड़ा सा मसला बन रहा है। और ये मिस्त्री है नहीं, बस मेरे वांगू बन गए हैं। हाँ जी उस्ताद तारक, हाँ जी उस्ताद तारक। तो हम अभी खान लगे हैं रोटी, तो देखने की पके अज। तो अभी हम आ गए हैं जी पीछे डेरे पे, जो हमारा मतलब कि पैलियाँ पैलियाँ और बकरे शकरे यहाँ पर रखे हुए हैं। थोड़ा सा टूवल पे इंजॉय कर रहे हैं, टूवल पे इंजॉय कर रहे हैं जी वो जो दिया जा साहब हैं। और बस और ठंडी ठंडी हवाएं शुरू होगी, मेरा ख्याल है बारिश आ जाएगी थोड़ी देर में, ये हल्की हल्की शुरू होगी बस। केड़ा पा केड़ा
आ देखो जी आ फाड़ लिया जी अभी अपनी शहजादी बड़ा मार दी फाड़े मैं ठीक कर दे। चलो जी आ जाओ चलिए। हेलो की हाल चाल है बच्चियो बलूंगड़े हो जनाब सानू राह दवोगे ना भाई ये नहीं देना राह वाजवा क्या बात है आज फिर आन लगी है बारिश हवा फुल चल गई है ते फिर इतने मसा चिक्कड़ सुकया सी हुण फिर चिक्कड़ बन जाना फिर उस्ताद नहीं सिगरेट पींदे पींदे फिर आ गए पिछे आया जी बो बकरा बहुत कब्बे से बाद आया जी हाँ सही है ये शरीफ है वो बड़ा भैड़ा जी कपत्ता कपत्ता बो बकरा है जरा कपत्ता बो बकरा ए ना आ वड्डी ते सी दाढ़ी कट छड़ी से वेखो फिर वड्डी होगी एदी आ बो बकरे दी अस्सलाम वालेकुम जी ये हैं हमारे चौधरी अब्दुल मोईज और ये दला दला कर रहे हैं जी आए जी मेरे साथ नहीं अस्सलाम वालेकुम और बेटा क्या हाल चाल है आप सुनाए ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਇਸ ਭਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵਾਪਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਵੇਲੋ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਜਣੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੰਡੋ ਕਿੱਥੇ ਜੀ ਬੁਲਾ ਆਹ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਉਹ ਤੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੰਕਲ ਸ਼ਾਮੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹਨਾ ਉਹ ਗਾਈਸ ਅਸੀਂ ਘੰਟੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਫਸੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਆਂਬੂਂਬ ਲੈ ਲਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਪਿਆ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਸ ਕਰਦਾ ਫੋਕਸ ਤੋ ਫਾਈਨਲੀ ਗਾਈਸ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਆ 2 ਵਜੇ ਗਏ ਥੇ 3 ਵਜੇ ਆਏ ਆ ਤੋ ਰਾਸਤੇ ਮੈਂ ਫਰੂਟ 1.5 ਘੰਟਾ ਫਰੂਟ ਖਰੀਦਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸੇ ਆਮਲੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸੇ ਸੇਬ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸੇ सुंदरखानी एक जगह से केले और बाकी हम आ गए हैं जी वापस अभी तक नाश्ता भी नहीं किया ये है जी हमारा मज़ेदार सा नाश्ता पराठा चाय पानी मैंने किसी को दे दिया है तो खा के मिलते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन खाना मैंने खा लिया भूख बहुत लगी थी मेरी तो ना बस सोई पड़ी थी तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा लिया अभी मैं धोने लगा जी बर्तन और उसके बाद काटने हैं प्याज तक कुछ मेहमान आ रहे हैं आज काफ़ी सारी डिशेज तैयार कर रही हैं तो इसलिए मिलते हैं जी बल्कि मिलना क्या बस 1-2 घंटे तक हूँ पे 4 बज गए तकरीबन 4 की गई अच्छा जी 4 घंटे 4 बज गए तो हूँ मैं सारे काम कुम करके असर की नमाज पढ़ के तो फिर कितने जाके थोड़े ना रबता करांगा ते अपने मेज़बान रमजान तो वो 2-3 सेकंड दिया जाए शुक्रिया अल्लाह हाफिज़। पहले गाइस कोई बंदा आता नहीं था ब्लॉग बनाने के लिए आज हर तरफ ब्लॉग ही ब्लॉग आज आ गए हैं जी फिर से पौधों के नाई आपको दिखाता हूँ आसमान ने भी दीवी थोड़ी जी टेंड हो गई है ये पौधों के नाई आए ने तो वेखो किवें गंद पा छड़िया आ वेखो जी पौधों के नाई पहली बार आ गए जिम्मे बंद नाई हो सकते हैं पौधों के नाई नहीं हो सकते
चलो नहीं तो ना सही है पर तुम पौद्या में नहाइ आ वेखो सैडा उसरा ला दिया भाई उसरा वे बाल होंगे उतो जो बहुत बद गए वैसे सही है सैड पौद्या में नहाइए सही वैसे हो सकता तो जी एक बार बस हाँ जी कह दो यूट्यूब पर जाके चल गई समझ लो जी ये उस्ताद हुई हो गए ना गुस्से केंद्र असं पौद्या में नाई नहीं है यार वैसे मैनू आ ना मैं मैनू लोग नाई कहते मैं तो नहीं गुस्से करता मैं तेरे सिरे सोटा मारिया चलो ठीक है जी मन के उस्ताद हुई वाह जी वाह इतने बलोगियाँ बंद आज हमारे घर मेहमान आ रहे हैं जी शेख अल हदीस अब्दुल हबीब पीर अब्दुल हबीब नक्शबंदी तो उनकी आज दावत है इसलिए थोड़ा सा अहतमाम हो रहा है और बस प्लेटें प्लूटें मैं ले आया हूँ आपको दिखाता हूँ अब यहाँ पर सजानी है इधर भी और ये डाइनिंग टेबल प्लेटें प्लूटें रख दी आके मैं लगा देता हूँ अभी थोड़े से काम है इसलिए थोड़ी देर के लिए इजाज़त प्यारे परवरदिगार हम फकीरों के पास देने के लिए दुआएं हैं तेरे पास देने के लिए वसी ख़जाने हैं इनको अपने वसी ख़जानों से माला माल फरमा वो सब कुछ अता फरमा जो इनकी चाहत है या इनकी ज़रूरत है यारे अल्लाह कभी हालात के हवाले न फरमा कभी लोगों के हवाले न फरमा कदम कदम पे अपनी दस्तगीरी फरमा हमारी इन दुआओं को अपनी रहमत से कबूल मंजूर फरमा घर की ख्वातीन ने खाना पकाने में मेहनत की होगी अल्लाह गर्मी के मौसम में खाने बनाना कोई आसान तो नहीं होता प्यारे अल्लाह उनकी खिदमात को भी कबूल मंजूर फरमा इलाहुल आलमीन दुनिया और आखिरत की भलाइयां अता फरमा तमाम नेक तमन्नाओं को पूरा फरमा सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिही وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا رب तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन खाना खुना खा लिया तो जमात भी अल्हम्दुलिल्लाह मगरब की बाजमात पीर हबीबुल्लाह नक्शबंदी साहब ने पढ़ाई है तो बहुत सुकून मिला है और उन्होंने दुआ की है ना जो मज़ा करा दिया तो अभी मैं धोने लगा हूँ बर्तन तो आपने धोना नहीं है तो ये है जी हमारी मज़ेदार सी बिरयानी है चिकन बिरयानी लेकिन इसके ऊपर मैंने बीफ की बोटियाँ डाली हैं थोड़ी सी नहीं है चार हैं तो बाकी चिकन की हैं तो साथ पानी है जी पानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये है जी बोटी बीफ की गाइस जब मेहमानों की खिदमत गुजारी हो जाती है तो आपको थोड़ा सा ऐसा व्यू देखने को मिलेगा जो कि बंदे का दिल दहला के रख देता है हाय तो आपने टेंशन नहीं लेनी आपका भाई अभी जिंदा है टेंशन नॉट ये सब कुछ ऐसे साफ करेगा जैसे कोई सवाब का काम होता है
तो फाइनली गाइस किचन कुचन रेडी हो गया, अभी मैं पढ़ने लगा हूँ इशा की नमाज चाय पी के। तो इसी के साथ अपने मेज़बान रमज़ान को दीजिए इजाज़त, आज का ब्लॉग यहीं और इसी वक्त ख़त्म करते हैं। अगर मेरा छोटा सा ब्लॉग आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मेरे न्यू व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी से बेल आइकन को क्लिक करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।